विकास प्राप्त दिख रहे हैं टेक्निकल विकास के लिए। झारखंड के इकलान स्कॉलरशिप के पोर्टल पे 2022-23 का स्कॉलरशिप के जो भी स्टूडेंट छोड़ दिए हैं किसी कारण से नहीं भर पाए हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। 22 जनवरी से स्टार्ट किया गया था, 29 जनवरी तक हालांकि डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन आज भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज है 31 जनवरी, अभी भी क्लोज नहीं किया गया है, अभी भी ओपन है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप लॉगिन करेंगे तो आपको अप्लाई नाउ का, आपको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इकलन के पोर्टल पे, और अप्लाई भी हो जाएगा, सब कुछ हो रहा है, अभी भी बंद नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट छोड़ दिए किसी कारण से नहीं भर पाए, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, अभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं 2022-23 का स्कॉलरशिप के लिए। और स्कॉलरशिप का नया एक प्रेस रिलीज बहुत जल्द आने वाला है, स्कॉलरशिप में कुछ नया अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा। तो आज हो सकता है कि शाम तक नया एक प्रेस रिलीज ई कल्याण की तरफ से जारी किया जाएगा ई कल्याण के पोर्टल पे, और कुछ नया अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा डेट को एक्सटेंड करने को लेकर के ई कल्याण से संबंधित स्कॉलरशिप फॉर्म से संबंधित आपको कुछ नया प्रेस रिलीज आज देखने को मिल सकता है, जारी किया जा सकता है ई कल्याण के पोर्टल पे। तो क्या कुछ नया अपडेट्स आने वाला है ई कल्याण के स्कॉलरशिप रिलेटिव, सब कुछ जानेंगे हम लोग आए के वीडियो में। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, नया अपडेट्स आपको ई कल्याण के पोर्टल पर बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, स्कॉलरशिप रिलेटिव नया अपडेट जानकारी आने वाली है।